यानी महेंद्र सिंह धोनी चौके छक्कों और विकेट के पीछे से पलक झपकते ही बल्लेबाजों की गिल्लियां बिखरने के लिए मशहूर तो हैं ही, अब वो अपनी फार्मिंग के लिए भी अब पहचाने जाने लगे हैं। इनके ईजा फार्म्स का दूध और अन्य प्रोडक्ट रांची के लोगों को खूब भा रहा है। एक दिन में करीब 500 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस का दूध राजधानी रांची के लोगों को खूब भा रहा है। ईजा फार्म के बैनर तले बिकने वाले दूध और अन्य प्रोडक्ट की मांग काफी बढ़ गई है। राजधानी रांची में 3 आउटलेट हैं, जहां से प्रतिदिन 500 लीटर दूध की बिक्री होती है। जहां फ्रिजन गाय का दूध 55 रुपए प्रति लीटर, साहिवाल गाय का दूध 90 रुपए लीटर और स्वर्ण गिर गाय की दूध 130 रुपए प्रति लीटर है। ऐसा सबसे बड़ा चीज है विश्वास का, कि धोनी का फार्म हाउस से आ रहा है तो लोगों का विश्वास है। मार्केट में लोग बहुत तरह के दूध बेच रहे हैं, लोग सबसे बड़ा डर मिलावट का होता है, किस तरह का पानी मिला दिया, किस तरह का कर दिया। हमारे यहाँ शुद्धता की पूर्ण गारंटी। पर कितना लीटर बेच लेते हैं हम? एचएफ का 55 रुपए पर लीटर बेच रहे हैं, साहिवाल गाय के दूध है उसको 90 रुपए और स्वर्ण गिर गाय का दूध है उसका हम 130 रुपए लीटर। कितने आउटलेट है रांची में? पूरे रांची में हमारे 3 आउटलेट है। एक पीपी कंपाउंड में है, एक लालपुर बलवान कंपाउंड में है और एक मुरादाबादी हरिहर सिंह रोड। ईजा फार्म के बैनर तले बिकने वाले दूध को लेकर लोगों में खासा जिज्ञासा है। हालांकि कोरोना वायरस की वजह से ज्यादातर दूध होम डिलीवरी के तहत दिए जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी माही के फार्म हाउस से आने वाले दूध की खरीदारी आउटलेट से कर रहे हैं। धोनी का फार्म से टेस्ट में कोई डिफरेंस वैसा खास नहीं है, शुद्धता है। रेट वगैरह ठीक है। सब्जी भी आती है, सब्जी भी यूज किए हैं। हाँ हाँ, फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास। क्या सलाह देंगे धोनी जी को? सलाह देंगे इसी में लगे रहिए, किसान बन जाइए बढ़िया से। ईजा फार्म का दूध दिनों दिन लोकप्रिय होता जा रहा, यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसे होम डिलीवरी के माध्यम से घरों तक मंगवा रहे हैं। डिलीवरी बॉय का कहना है कि घर पर जाने के बाद धोनी के फार्म हाउस के दूध को लेकर भी जिज्ञासा रहती है। कीमत को नजरअंदाज कर लोग अब दूध की गुणवत्ता पर ध्यान दे रहे हैं। लोगों का रिस्पॉन्स तो ठीक है दूध में। क्या बोलते हैं, कुछ पूछते हैं दूध के बारे में? हाँ, दूध कहाँ से आता है? तो धोनी का फार्म हाउस से दूध आता है, फिर हम लोग डिलीवरी करते हैं। तो और लोग रेट वगैरह के बारे में बहुत महंगा है, सस्ता है, इस तरह की बात बोलते हैं? नहीं, इस तरह की बात तो नहीं बोलते हैं। 55 रुपये लीटर है। अच्छा, तो लोग इंतजार में रहते हैं कि धोनी के यहां से दूध आ रहा है तो उसको लेना है? हाँ, एकदम बिल्कुल खुशी रहती है लोगों। क्या बोलते हैं? वही, इतना लेट क्यों हो गया, थोड़ा जल्दी ला दिया करिएगा। हाँ, इंतजार रहता है कि कब जल्दी दूध आ जाए। नहीं, अभी तो फिलहाल धोनी वाला ले रहे हैं। अभी एक गिर गाई है और एक साहिवाल गाई है। ईजा फार्म की मार्केटिंग देखने वाले अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में दूध को बोतल में न देकर पैकेट में बंद कर इसकी ब्रांडिंग की जाएगी और इसे अलग अलग आउटलेट्स के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुँचाया जाएगा। दूध के साथ साथ धोनी के फार्म हाउस से सब्जी, कड़कनाथ के अंडे और पनीर की सप्लाई भी हो रही है और लोगों को बखूबी ये उत्पाद पसंद भी आ रहे हैं। रांची से ही न्यूज़ बायोस्कोप के लिए शाहनवाज की रिपोर्ट।